Nothing is impossible. So just do it. Make your dreams come true. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं गेम खेलने वाला हूँ। उस गेम का नाम है फन गाइस। इस गेम को देखकर ऐसा लगता है कि ये गेम दो गेम्स को मिलाकर बनाई गई है, जो है फॉल गाइस और स्टंबल गाइस। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये प्लेयर जिस चीज़ पर खड़ा है वो चीज़ हमको फॉल गाइस में भी दिखाई देती है, और आजू बाजू के मेन्यूज हमें स्टंबल गाइस की तरह लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं इसकी सेटिंग में। सेटिंग में आपको दिखेगा एक लॉगिन का ऑप्शन, क्वालिटी और सर्वर का ऑप्शन भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। सर्वर में अभी सिर्फ दो ही सर्वर है, जिसमें से एक US है और एक C है। अभी फिलहाल कोई एशिया और इंडिया का सर्वर नहीं है इसके अंदर। तो बढ़ते हैं अभी सेटिंग की स्टोर की तरफ। स्टोर में आप लोगों को बहुत सारी स्किन देखने को मिलेगी और कॉइन के ऑफर भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आप ऐड देखकर भी कॉइन ले सकते हो और पैसे देकर भी कॉइन ले सकते हो। अब हम बढ़ेंगे इसकी स्किन की तरफ, जहाँ पर हमें दिखेगी इसकी बहुत सारी स्किन जो गेम के अंदर मौजूद है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्किन इस गेम के अंदर है। और मुझे एक बात अच्छी लगी कि भाई, इस गेम का जो कैरेक्टर को बनाया गया है उसकी जो स्किन लगाई जाती है बहुत अच्छी दिखती है उसके ऊपर। जैसे कि आप लोग ने देखा कि मारियो की स्किन कितनी अच्छी दिख रही थी, और ये शार्क की स्किन भी बहुत अच्छी दिख रही है इसके ऊपर। और अभी अगर आगे जाएंगे तो बहुत सारी स्किन है, जिसमें से दो स्किन मुझे बहुत खास लगी। उसमें ये थी हेल बॉय और एक स्पाइडरमैन की स्किन। ये स्किन मुझे बहुत अच्छी लगी ये दोनों। अब बात करते हैं इसके टैग की तरफ। टैग में भी हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के नेम टैग मिलते हैं, जो हमें अपने नाम के पीछे दिखाई देंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। नीचे इसके अंदर एक इमोट का ऑप्शन भी है। इमोट के अंदर फिलहाल तो ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि एक गेम अभी नया, सिर्फ चार ही इमोट है इसके अंदर, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है। और यहाँ पर दो चीज़ें और है, जिसमें से एक है फेम और एक है रैंकिंग, जो दोनों के दोनों भी कमिंग सून बता रहा है, अभी तक आए नहीं है इस गेम के अंदर। अगर आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपना नेम चेंज कर सकते हो और अपना लोगो भी बदल सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक ब्रॉन्ज टीयर भी बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस गेम में टीयर ऑप्शन भी होने वाला है। तो ये हो गई बात इस गेम के पूरे मेन्यू के बारे में। और अभी तक मुझे ये गेम बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं इसकी कौन से लेवल है, कितने लेवल है और कैसी कैसी लेवल्स है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इस गेम के अंदर भी पांच लेवल है, जो है हिट रेस, चिकन परस्यूट, हिडन पाथ, फॉलिंग हैक्स और फुटबॉल। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहले लेवल, जिसका नाम है हिट रेस। तो इस गेम के अंदर अभी सिर्फ बॉट आते हैं, इसलिए गेम जल्दी जल्दी अपने लेवल स्टार्ट कर देता है, जैसे कि अभी भी स्टार्ट होने वाला है। और इस लेवल को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इसे स्टंबल गाइस और फॉल गाइस के एक एक मैप को मिलाकर बनाया गया है। स्टंबल गाइस में अगर आप पाइवेट पुश का मैप खेलोगे, और फॉल गाइस में अगर स्लाइम क्लाइब आपने देखा होगा, तो ये मैप मुझे उन दोनों का मिलावटी मैप लग रहा है। तो आप भी देखो इस मैप को और इन्जॉय करो, और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये लेवल कैसा लगा। तो ये था इस गेम का पहला मैप, जिसका नाम था हिट रेस, और ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस गेम के दूसरे मैप की तरफ, जिसका नाम है चिकन परस्यूट। तो ये है इस गेम का सेकंड मैप, जिसका नाम है चिकन परस्यूट। और अगर आपको याद होगा तो फॉल गाइस के अंदर भी एक ऐसी मैप आया था जिसका नाम था पेंगुइन परस्यूट। उसके अंदर हमको पेंगुइन को पकड़ना होता था, पेंगुइन को, और इसके अंदर हमको चिकन को पकड़ना होता है। मैप तो पूरा सेम कॉपी मार ली है लोगों ने, बस चिकन की पेंगुइन की जगह इन्होंने चिकन को ऐड कर दिया है गेम के अंदर। तो आप इस मैप को एंजॉय करो और देख कर बताओ कि आपको ये मैप कैसा लगा। Thank you.
ये था इस गेम का सेकंड मैप। बढ़ते हैं इस गेम के थर्ड मैप की तरफ जिसका नाम है हिडन पाथ। तो ये है इस गेम का थर्ड मैप जिसका नाम है हिडन पाथ, और इस मैप को स्टंबल गाइस के टाइलफॉल की तरह बनाया गया है। तो देखो इस मैप को और मुझे बताओ कि आपको ये मैप कैसा लगा, और इन्जॉय करो। तो ये था इस गेम का तीसरा मैप। बढ़ते हैं इस गेम के चौथे मैप की तरफ जिसका नाम है फॉलिंग हेक्स। तो ये है इस गेम का चौथा मैप जिसका नाम है फॉलिंग हेक्स, और इस मैप को देखकर आपको समझ ही गया होगा तो कि ये मैप फॉल गाइस के हेक्सागन लेवल जैसा ही है। देखो इस मैप को, एंजॉय करो, और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये लेवल कैसा लगा। तो ये था इस गेम का चौथा मैप। बढ़ते इस गेम के पांचवें मैप की तरफ जिसका नाम है फुटबॉल, और ये इस गेम का आखिरी मैप जिसका नाम है फुटबॉल। और ये तो फॉल गाइस के फुटबॉल के मैप की तरह पूरा कॉपी है इसी के अंदर। तो आप देखो, एंजॉय करो, और देखो बताओ कि आपको ये मैप कैसा लगा। तो गाइस ये थे पांचों लेवल्स फन गाइस के, और इसका सिर्फ पहला लेवल जिसका नाम था हिट रेस वही मुझे इसका ओरिजिनल लेवल लगा। बाकी के सारे लेवल मुझे फॉल गाइस से कॉपी लगे। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इस गेम को भी बहुत से इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये गेम अभी फिलहाल अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है कि लोगों को इसके खेलने में मज़ा आएगा जब ये मल्टीप्लेयर के लिए आएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।